फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ वेज चाउमीन, जो बहुत ही जल्दी बनेगा और बहुत ही टेस्टी है। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई रखा है, गैस ऑन किया है। अब मैं इसमें अराउंड 2 स्पून जितना ऑयल डालूंगी। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, लहसुन को बारीक बारीक काट के मैं इसमें डालूंगी। उसके बाद मैं प्याज डाल रही हूँ। इसको हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, जस्ट थोड़ा सा चलाना है। उसके बाद मैंने डाला है बारीक कटा गाजर, बारीक कटी शिमला मिर्च, बंदा गोभी। फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे सब्ज़ी की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, या अगर आपको कोई एक हाथ सब्ज़ी स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। अगर कोई सब्ज़ी ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने इसमें डाला है कुटी काली मिर्च डाल के मैंने इसमें डाला है रेड चिली सॉस। फिर उसके बाद टोमेटो केचप। अब उसके बाद मैं डाल रही हूँ शेजवान सॉस। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। मिक्स करके अब मैं इसमें डालने वाली हूँ सोया सॉस। सारे सॉस मैं 1 स्पून यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके मैं इसमें डाल रही हूँ नूडल्स। ये नॉर्मल है, जो नॉर्मली मिलते हैं मार्केट में, वही वाले नूडल्स हैं। मैंने जस्ट इसको बॉईल करके रख लिया था। अब मैं इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ विनेगर, वाइट विनेगर, ये भी अराउंड 1 स्पून है, और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब मेरे नूडल्स बन गए हैं, इसको मैं कर रही हूँ सर्व। आप भी ये टेस्टी नूडल बनाइए। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।